यदि आपको वायु नहीं मिल पा रही है, आप श्वसन नहीं ले पा रहे, इसका मौत का कारण, श्वसन ना ले जा पाने का कारण, ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर न जाने के कारण क्या साकार हो सकती है? क्या ये मूर्खता पर नहीं लगता है? हम संसार में 5 तत्व हैं जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्री में मिलते हैं, हमेशा जो हमें प्रकृति देती है, और जो हमें अभी कोरोना से सांस की प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, इसका कारण क्या है? हमारी बॉडी कैसी हो चुकी है? हमारी बॉडी में क्षमता बची ही नहीं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और हम मरने के लिए तड़प रहे हैं, मौत के मुंह में जाने लगे। क्या आज से 100 साल पहले इतनी मेडिकल सुविधाएं थी, ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर थे, क्या पहले ये परेशानी नहीं थी? क्या मशीनों द्वारा ही सब चीजें का सुधार होता था? हमारी मूर्खता ये है कि जो हम प्रकृति से प्राप्त कर सकते थे और कर सकते हैं, वो हम पूरा मशीन में चले। हमें ऑक्सीजन मशीन से इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि हम प्रकृति से नहीं खींच पा रहे, हमारे खींचने की जो क्षमता है वो खत्म है। आपने अपनी क्षमता खत्म की है, आप दूसरे को दोष मत दीजिए। अगर आप मर रहे हैं तो अपने कारण से मर रहे हैं, आपने शरीर को अपना क्षमतावान उतना नहीं। प्रकृति में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, इस प्रकार की अनेक ऐसी आती रहेंगी जो हमारे लिए हानिकारक होंगी। इस समय जितना भी विकास हो रहा है वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है, तो क्या विकास को रोक दिया जाए? वो तो नहीं रोका जा सकता। हमें अपनी शरीर की क्षमताएं बढ़ानी पड़ेंगी। जब हम पेड़ काटेंगे, हम उस जगह इमारत बनाएंगे, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं हम उन्हें खोद डालेंगे, हम उससे गिट्टी बनाएंगे, बड़ी बड़ी पक्की रोडें बनेंगी, तो क्या ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होगा? हमारी शारीरिक क्षमता है वो कम नहीं होगी? स्वाभाविक होगी। जब होगी तो हमें अपनी प्राणवायु उस शक्ति को बढ़ाना चाहिए ना। हम प्रकृति को तो नहीं बदल सकते, बदलने की कोशिश करनी चाहिए, पेड़ लगानी चाहिए, पर हमें उसके अनुसार ढलना है। और योग क्या है? वही क्रिया है कि आप किसी भी प्रकृति में किसी भी समय ढल जाए, वही योग। जो वायरस आपके शरीर में आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, आपको क्रिया मालूम हो कि प्रवेश किया, आप उसे निकाल के फेंक सकें। श्वसन में सब क्रियाएं और बहुत बड़ी क्रियाएं नहीं है। जब ये क्रियाएं बनाई गई, योगियों ने योग करे, उनके फायदे लिए, जब उन्होंने किसी को बताया तो इसको बहुत विकराल रूप दे दिया गया, बहुत कठिन विद्याएं बता दी गई, बहुत कठिन सिद्धि कर दी गई। ये ऐसी बहुत कठिन सिद्धि नहीं है योग। आपने बहुत सारे ऋषि मुनि देखे होंगे, बहुत सारे बाबा वैरागी देखे होंगे आपने, जिनके पास अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, जिनकी 200 वर्ष तक, 300 वर्ष तक आयु होती जाएगी। आप योग सिद्धि करिए, वायु सिद्धि करिए, आपकी उम्र रुक जाएगी, आपके बाल श्वेत नहीं होंगे, आपको अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं योग में सब स्थित है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम सिर्फ नाक और यहां से ले रहे हैं, वो शरीर के लिए। आपको मालूम है अंदर कितनी नाड़ियां बैठी हैं,
जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, और जब हम पैदा होते हैं तब वो खुली हुई होती है, तब वो ऑक्सीजन ले रहा होता है। बच्चा इसीलिए इतनी जल्दी ग्रोथ कर लेता है, हर चीज सीखता जाता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमने उन छिद्रों को जो बहुत माइनर थे हमारी नाड़ियों में, उन छिद्रों को बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो वहां ऑक्सीजन जा ही नहीं रही, ऑक्सीजन जा नहीं रही तो हम जो 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का बच्चा क्रियाएं करता है वो हम क्रियाएं नहीं कर पा रहे। यदि आप इसे 80 साल में खोल तो आप 80 साल में 18 साल के बच्चे की तरह दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कूद सकते हैं, वही हो जाए आपके अंदर। हमारी जो नाड़ी है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हम जब क्रिया के द्वारा लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को रोकते हैं, वही योग। ऑक्सीजन को जितना ज्यादा से ज्यादा रोकना, जिसे हम कुंभक कहते हैं, वही योग है, वहीं से योगी बनता जाता है। जब उस प्राणवायु को आप शरीर में रोकते हैं तो शरीर में रोकने पे आपको इस प्रकार की प्रतिक्रिया अंदर से होती है कि आपकी जान निकलने लगती है, आपके शरीर में कंपन उठने लगता है। जब कंपन उठने लगे आपको सांस रोकने से, तब आप सोचिए कि आप यौगिक क्रिया में घुस चुके हैं। और जो कंपन आपने ले लिया तो आपने जीवाणुओं को नष्ट कर, उसके आगे की क्रियाएं आपको वहां तक जाने की नहीं आवश्यक। शोध बताते हैं, प्रैक्टिकल जितने साइंटिस्ट हैं जब वो शोध करते हैं तो एक निष्कर्ष होता है, उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और ये जरूरी नहीं रहता कि उस निष्कर्ष के लिए उन्होंने शोध किया हो, शोध किसी और के लिए किया गया हो सकता है, निष्कर्ष कुछ और निकल सकता है। पर वायु जो है, वायु का आप शोध नहीं कर सकते। इसको आप जितना इकट्ठा कर सकते हैं, जितना इकट्ठा कर सकते हैं, आपने सिलेंडर में, गैस सिलेंडर में इकट्ठा कर लिया, आपने फायर चालू कर लिया, आप क्या, वायु की गति से हनुमान जी ने सर्वलोक विजयी बन गए। वायु की शक्ति से इंसान पानी में चल सकता है, अपने आप को इतना हल्की, ये कोई जादुई शक्तियां नहीं, और ये एक आम व्यक्ति कर सकता है सिर्फ नियमित अभ्यास। श्वास वायु को रोकना वो क्रिया है जिसके द्वारा हर एक रोग को खत्म किया जा सकता है, और अपनी आयु को 100 तो सामान्यता ही समझें कि 100 की उम्र तो सामान्यता है, इसके बाद आपकी इच्छा है कि आप कितना प्राणवायु से खेल सकते हैं। हम ढल गए विज्ञान, हमें विज्ञान की इतनी समझ हो गई कि हम पुरातन चीजों को भूल गए, अपनी जड़ी बूटियों। आपको मालूम है अपने इतिहास में, आपको मालूम है, आप इतिहास देखते हैं कि पुराने जो राजा होते थे, अकबर था, कितने वीर होते थे, कारण क्या था वो वीरता, उनके पास ताकत आती कहां से थी, वो तो नहीं कोई टॉनिक पीते थे, वो तो जिम में जाने वाला नहीं कोई डिब्बा ऐसा खाते थे बैठ के, कोई कार्य नहीं करते थे, फिर उनके पास इतनी ताकत कहां से आती। वो जो जड़ी बूटियां होती थी, जो ये आप टॉनिक बना रहे हैं, जितने बड़े डिब्बे बन रहे हैं, जो आप मार्केट से प्राकृतिक ऊर्जाएं मार्केट से खरीद रहे हैं, जिन ऊर्जाओं को कुछ कंपनी वालों ने डिब्बे में बंद करके रखा और आपको दिया, जब वो ऊर्जा प्रकृति में प्राप्त, वो जड़ी बूटियां प्रकृति में प्राप्त। यदि मैं कहता हूं कि बूटी
जो जड़ी होती है, जड़ी में जड़ का यदि पीस के उसका डेली सेवन किया जाए तो व्यक्ति के लिए 300 साल तक रहना आसान। ये जड़ में, जड़ी उसे क्यों कहते हैं, जड़। जब पेड़ों में इतनी शक्ति है, कहते हैं प्रकृति सर्वाधिक शक्तिशाली है, पेड़ से आपको लक्ष्मण जी की बूटी तक मिल जाती है, यानी प्राण से बचाने वाली औषधि पेड़ों से प्राप्त होती है। तो जब मूर्छा से उठाने वाली औषधि पेड़ों से प्राप्त हो सकती है तो दूसरी तो और बहुत असामान्य चीज है। और सब औषधियों का वर्णन रहा है, वेदों में है, और बहुत से लोग इसके जानकार हैं, पर वो कोई जानना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, उसका विकास ही नहीं हो रहा है। जो करना चाहता है उसको कोई ध्यान नहीं। मैं कहता हूं जड़ी बूटियों के द्वारा, गांव में आप कह रहे हैं कि गांव में कोरोना पहुंच गया, अब आग लग जाएगी थर्ड फेज में। मैं कह रहा हूं गांव में आग नहीं लग पाएगी, उनकी श्वसन क्रिया के कारण। वो ऑलरेडी उस गांव में आपको नहीं मालूम है कि 30% से 40% तक ऑलरेडी वो योगी ही होता है। वो कपड़े नहीं पहनता है, वो मन से योगी है, और योगी मन से होता है, ना कि तन से होता है। जब मन योग में लिप्त हो जाता है, आपको वो क्रियाएं आ जाती हैं, आप उस जगह पहुंच जाते हैं जब अपनी आप सांस को 50 सेकेंड तक रोकते हैं, फिर उसके बाद आप बढ़ते हैं, अपनी सांस को आप 1 सेकेंड तक रोकते, तब आप योगी क्रिया में आ गए। और उसके बाद 2 घंटे 10 मिनट तक ध्यान, जब 2 घंटे 10 मिनट तक आपकी सांस आप रोकने लगते हैं तब आपका लगता है ध्यान। और जब तक आप में 2 घंटे 10 मिनट तक प्राण वायु रोकने की शक्ति नहीं है तब तक ध्यान लगना संभव नहीं है। और क्या 2 घंटे रोकना संभव है? आप अपनी करके देखिए, 20, 25, 30 सेकेंड। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी 30 सेकेंड 35 सेकेंड रोक लेगा प्राणवायु को, उसे कोरोना नहीं हो सकता। अरे जो व्यक्ति 60 सेकेंड अपनी प्राणवायु को रोक ले, उसे कोई सा रोना नहीं हो सकता है, कोरोना तो ठीक ही है। सिर्फ समझदारी की, हमें देखिए मार्केट में लोगों का काम है बेचना, वो बेचते हैं। हम कंपनियों को भारत क्यों बुलाते जा रहे हैं? हम आजाद होने के बाद बुलाते इसलिए है ना कि मार्केट बढ़े, लोग बेचे चीज। जो हमारी चीजें हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मार्केट इतना बढ़ गया। लेकिन दवाई आ गई, किस चीज की बूटी नहीं होती, किस चीज की जड़ी नहीं होती है जो आसानी से नहीं मिल जाती। सिर दर्द की, दांत दर्द की, इसकी उसकी, कैंसर की दवा जड़ी बूटी में होती है। आप जड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की रक्त की, गैस की, खून की, मस्तिष्क की, यहां तक कि जड़ी बूटी के द्वारा गूंगे को भी बोलने में विवश कर देती है जड़ी। वो है जो जड़ से अड़ी वो जड़ी। इसलिए मेरा कहना है कि जो श्वास का खेल है वही प्राणवायु, वही प्राण है, उसी के कारण हम जिंदा है। उसका जाने का कारण कोई नहीं, उसके जाने के कारण भाग खुद है। क्योंकि आपको अपनी सांस को रोकने की क्षमता है, आपने जीना चाहा है ही नहीं है। आप कहते हैं कि मेरे को जीना है। अरे जीना है तो सबसे पहले अपनी सांस को पकड़ो ना कि वो नहीं जाए। अब वो नहीं जाए तो उसे रोकने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूं कि रोकने का तरीका ये है तो रोक लो। कोरोना भी नहीं ले जा पाएगा, कोई दूसरा भी नहीं ले जा पाएगा। और ज्यादा क्षमता नहीं रखनी है तो मैं 1 मिनट ही क्षमता है रखनी है रोकने की। अगर 2.5 घंटे रख लिए तो तुम तो योगी हो जाओ। प्राणवायु श्वास को आपको किसी भी प्रकार का कोरोना क्या, किसी भी प्रकार की
जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको जो अनुभूति खुद आप सांस को रोकना चालू करेंगे और इस तरीके से रोके कि आपके शरीर में कंपन आने, जब आपके शरीर में कंपन आने लगेगा आप इस क्रिया को रेगुलर करेंगे तो आपको जो अनुभूति होगी वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो अनुभूति आप खुद ही प्राप्त करेंगे। आपको जो खुशबू है वो आप दीपक जला के आप खुशबू ऐसे प्रकार प्रतीत करेंगे जैसे आप ऐसे उपवन में बैठे हैं जिसमें हजारों प्रकार की औषधियां लगी हैं, हजारों प्रकार के पुष्प लगे हैं, इस प्रकार की अनुभूति उस श्वसन क्रिया को आप करिए। विकार तो बहुत दूर की बात, आपको जीवन का मजा आ जाएगा, आपको इस शरीर के होने का मजा आ जाएगा। आत्मा को जो कहते हैं अतृप्ति हो, प्राणवायु को रोकने से सचमुच आत्मा की तरफ, आत्मा को जो अनुभूति होगी वो अनुभूति शब्दों में नहीं बयां की, वो योग से ही आप खुद प्रतीत कर सकते। और योग ध्यान रखिए वो कोई दूसरे के लिए नहीं है, योग हमेशा व्यक्ति अपने लिए और अपने लिए ही जोड़ता है, और वो जोड़ होता है जो आत्मा शरीर को एक कर दे, जो आत्मा शरीर को एक कर दे उसके लिए फिर ये शरीर क्या है, इसकी बीमारी क्या है। आप वायु के द्वारा इस शरीर से कुछ भी कर सकते, आवश्यकता है तो सिर्फ अभ्यास है।